पीपल, कैसे आप सभी लोग, होप करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जाने वाले हैं बाइक राइड पर थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही आसपास थोड़ा सा घूम के आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सी जगह जा रहे हैं, एंड वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में जाने के लिए। मिलते हैं आपसे कुछ देर। व्हाट इज द पीपल, निकल चुके हैं दोनों भाई ट्रिप के लिए। और कहाँ जा रहे हैं भैया? फतेहपुर सीकरी। हट जाओ आंटी जी, हाँ अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई, मजे। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे। ये बकचोदी करता रहेगा पूरे टाइम, ठीक है, मिलते हैं। ये एंट्रेंस यहाँ की, जिसकी एंड ये व्यू काफी सॉलिड। तो गाइस, ये सबसे मेन दरगाह है यहाँ पे, दिस वन, एंड यहाँ पे जाने वाला हूँ मैं। और चादर और सारी चीज़ें प्रसाद मैंने ले लिया है साथ में, देन आप भी आ सकते हो, आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगा। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ की है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वैसे आपको सबको पता है कि सिर ढक के जाना ज़रूरी है, फिर मैंने ढक लिया अच्छे से, एंड मास्क मैं नहीं उतारूँगा, मास्क इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं यहाँ से फ्री हो जाने के लिए। गेट उसको बोलते हैं बादशाही दरवाजा, जिस गेट से अकबर बादशाह नमाज पढ़ने आते थे जी। और जिया जमा मस्जिद ना, आज भी 500 टाइम की नमाज होती है। भाई इनसे हम डिटेल ले सकते हैं पूरी। हमारा शायर, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं, ये शायर है हमारा, अलग एंटिक पीस जी। उसको बोलते हैं हिरन मीनार, जो अकबर के खाती था, जो गुनाहगार होता था उसको सुनकर मालूम कर लेता था, तो गुनाहगार होता था उसको प्यार रखकर मार देता था, जो गुनाहगार नहीं होता उसको छोड़ देता था। चले हाथी की कब्र उस टावर के अंदर है, उसको बोलते हैं एलिफेंट टावर। उसको बेलो जाता है सब फेरा, जो सात फेरे लेते हैं शादी हो जाती है। इसके अंदर सात फेरे का राउंड बना हुआ है, जो लड़की लड़का सात फेरे ले लेते हैं शादी हो जाती है। सामने काले वाले डोम दिख रहे हैं, ब्लैक वाले, ये टक्साल अकबर के टाइम के ना सोना चांदी के सिक्के बने जाते हैं। और छोटे छोटे आले दिख रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, जो कबूतर और तोते ना चिट्ठी लेके जाते थे डाक से, स्मॉल होल बना हुआ है ना चिट्ठी का, चिट्ठी लगाते थे जो पालतू समझदार जो कबूतर होते थे चिट्ठी लेके जाते थे। सामने महल बना हुआ, उसको बोलते हैं जोधा भाई महल, अकबर का लड़का था सलीम, और सलीम का जन्म हुआ था वहाँ, वो बंद हो चुका है। आज भी सलीम चिश्ती के फैमिली लोग जिंदा हैं, इनकी 16वीं पीढ़ी चल रही है। इनका नाम रईस मियां के शहजादे हैं, यहाँ के इसके अंदर रहते हैं, सारी कब्जा में दरगाह इनकी। सारा मैदान है वो खानगवा का मैदान है, तो राणा सांगा बाबर में युद्ध हुआ था 1527 में, हुआ था तो बयाना में खानगवा नहीं, वहाँ हुआ था खानगवा में, सामने खानगवा युद्ध हुआ, फाड़ी के पास है ना, वो खानगवा युद्ध बोला जाता है। बाबर ने इसको फतेह करा, इसका नाम बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर आप घूम रहे हैं, सामने मकान दिख रहे हैं ना, सीकरी गाँव पुराने बुला के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। सारे खेतबाड़ी दिख रही है, पानी की झील था पहले, अच्छा अब झील सूख चुका है, किसान लोगों ने खेत बना दिया। ये मस्जिद के 6 दरवाजे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो देखने में लगते हैं छोटे बड़े छोटे बड़े, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही साइज के हैं, दूर से लगते हैं छोटे बड़े। और जो बनाया है ऊपर लेडीज नमाज पढ़ती थी पर्दे में, और नीचे में जेंट्स, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, लाल पत्थर पर लेडीज पढ़ती हैं, वाइट पत्थर पर जेंट्स, तो आज भी नमाज होती है इसके अंदर। एक धर्म चलाया था दीन इलाही, जो अकबर की 3 रानी थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन, जो आपको दिख रहा है कुरान लिखा हुआ है,
हाँ जी, मुस्लिम भी हीगा रुपया अपना नमाज पढ़ते हैं। ये डोम सा दिख रहा है ना आपको घुमर, हाँ हाँ, उसको आप सीधा कर देंगे मंदिर बन जाएगा। ऊपर छोटू से लटकती है वो चर्च है, दिनों में लाइट चला जाता है, दिनों लाइट हमें चलाया था मंदिर आया। अंग्रेज लोग आए 1905 में सोने को उतार लेके पीतल का टांग, तीनों साइड में अरबी कुरान निकल हुआ है, आज भी सोने का पानी फिर हुआ इसको, ऊपर में जाल लेके टांग दिया, ऊपर से पत्थर जो पेंटिंग गिरता है और नमाजी को ऊपर नहीं रखते हैं, जाल पे खींच जाता है, गिरता है ना पत्थर से, ये काला वाला पत्थर है, इसको बोलते हैं कसौटी पत्थर। तो स्नान लोग होते हैं पहले सोना चेक करते थे, रिस्क है वाइट वाला पत्थर राजस्थान का चेक। ये मेन दरगाह एंड ये पूरा हॉल नमाज पढ़ने के लिए काफी प्यारी जगह है। फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो कभी भी बारिश आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें निकलना है, कुछ मेरी बात हुई थी, तो जिस जगह हमको जाना है वापस घर मतलब, वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है पहले से, तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस पहुँचना है, तो निकलते हैं फिर। आप बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर, एंड मिलते हैं आपको कुछ समय बाद जब मैं पहुँच जाता हूँ घर पर, या फिर बीच में थोड़ा बहुत शूट डाल दूंगा, जब डाल पाया अगर बारिश नहीं हुई तो ज़रूर डालूंगा। सो मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस फाइनली आई एम एट होम एंड वापस आते मैं नहीं कर पाया था मैं ब्लॉग शूट, कॉज काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली थी, हम पूरे भीग चुके थे, अभी आके चेंज किया है, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो। सो गाइस कैसा लगा आपको ये छोटा ब्लॉग, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने रखा नहीं, और आपको अगर पसंद आता है तो आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें, बुरा लगता है अच्छा लगता है जैसा भी हो आप ज़रूर बताएं, आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मिलता हूँ जल्दी आपसे नई वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, बाय बाय।